Hello students, I am Hardeep Singh. Welcome again. Today's topic is the balancing of the chemical equation from the class 10th. The lesson is chemical reactions and equations. Number of students called me and requested to cover the balancing of chemical equation again. सो उन्हीं प्यारे बच्चों की डिमांड पर थोड़ा हम दोबारा चलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के ऊपर. तो सबसे पहले बैलेंसिंग, जब हम बैलेंसिंग कर रहे हैं किसी केमिकल इक्वेशन की, पहले दिमाग में आना चाहिए कि ये बैलेंसिंग है क्यों, क्यों जरूरी है, व्हाई. एक्चुअली जब हमने 9th क्लास में पढ़ा था, दैट इज अ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता था कि एनर्जी, सॉरी द मास कैन ईदर बी created nor be destroyed. और इसको लैंडॉल्ट ने प्रूव किया था. अब क्वेश्चन आया कि जब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो क्या कहीं मास का लॉस तो नहीं हो रहा. हमें पता है कि कंजर्वेशन ऑफ मास इस लॉ के अनुसार नहीं होना चाहिए. सो टू फुलफिल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस. वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे फोटोसिंथेसिस थी, सिंपल रिएक्शन थी CO2. अगर मैं बैलेंस ना करूं, अगर हम जनरल बात करें पहले, तो हमने क्या देखा कि CO2 plus H2O in the presence of sunlight and chlorophyll changes to C6H12O6 plus O2 only. लेकिन अगर मैं इसको बैलेंस नहीं करता, अगर हम जनरली देखते हैं तो इसको बैलेंस शुरू में नहीं किया, लेकिन बाद में हमने देखा कि यहां कितने हाइड्रोजन है, 12, और यहां सिर्फ कितने थे, 2. यहाँ कार्बन 1, यहाँ कार्बन 6, यहाँ ऑक्सीजन 2+1 3, और इधर ऑक्सीजन क्या थे, 6 और 2 8. सबसे ज़्यादा क्या थे, हाइड्रोजन थे. हमें इसको ही बैलेंस करना था, तो हमने क्या कर दिया, इसके आगे 6 लगा दिया. जब हमने इसके आगे 6 लगाया तो ये कितने बन गए, 6 2 12, ये तो बराबर हो गए. लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए, अगर हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए, नेचुरली यहां ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 6 6. अगर यहां नहीं तो इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं. हम थोड़ा अपोजिट ऑफ दिस चलते हैं, हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं. अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, C6H12O6, AKO का मतलब एक्वस फॉर्म में, यानी कि जो चीज वाटर में डिजोल्व होगी उसको हम एक्वस फॉर्म AKO लिखते हैं, प्लस O2 ऑक्सीजन इन द एक्वस फॉर्म गिव राइज टू CO2 प्लस H2O एंड एनर्जी. अब पहली बात तो ये याद रखनी है कि ये कौन सी रिएक्शन है. ये रिएक्शन है हमारे पास, एक तो ये रेस्पिरेशन के लिए रिएक्शन लिखी जाती है, और रेस्पिरेशन के साथ साथ ये रिएक्शन कौन सी है, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक और ध्यान में बात रखने वाली है कि आपसे कभी भी जिंदगी में रिडॉक्स पूछी जाए, मैंने कहा था हर रिएक्शन अपने आप में रिडॉक्स होती है, आप लिख दीजिए, ये रिडॉक्स का एग्जाम्पल भी है. अब मैं थोड़ा बैलेंसिंग यहां करता हूं. हमारे पास पहला एलिमेंट है कार्बन, मैंने सेंटर में लाइन मारी है. एक तरफ हमने क्या ले लिए, इस तरफ हमने ले लिया रिएक्टेंट, और इस तरफ हमने क्या ले लिया, अभी प्रोडक्ट्स. पहला रिएक्टेंट कार्बन है, दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास हाइड्रोजन है, तीसरा रिएक्टेंट ऑक्सीजन है. अब रिएक्टेंट में हमने तीनों ही एलिमेंट लिख दिए. कार्बन कितने हैं टोटल, हमने पैरों में देखा इसमें 6 हैं. यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है. यहाँ ऑक्सीजन 6 और 2 कितने हो गए, 6+2, दैट इज 8 है. प्रोडक्ट साइड चलते हैं, सेम कार्बन कितने हैं, बाकी छोड़ रहे हैं यहां से यहां तक बात कर रहे हैं, तो कार्बन जस्ट 1 है. इधर हाइड्रोजन लिया हमने, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 हैं. ऑक्सीजन लिया, इसमें 2 है, और यहाँ जिसके सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं उसका 1 है, तो 2+1 दैट इज 3 है, राइट. और फिर भाई हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे हम, तो हम किसको सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हाइड्रोजन को. हाइड्रोजन यहाँ 12 है, तो हमें इस हाइड्रोजन को 2 से 12 करना है. अब नेचुरली 2 से 12 करेंगे, कैसे करेंगे, हम मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, ये तो 12 पूरे हो गए. लेकिन हमने जब 6 किया तो हमने हाइड्रोजन को चेक किया, हाइड्रोजन कहाँ है, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन वाटर के अंदर है. तो मैंने पहले कहा था कि फार्मूला बना होता है, बैलेंसिस के ऊपर होता है, इसको नहीं छेड़ना. हमने सिर्फ क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज कर देना. अब यहां देखिए, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो क्या हो गया, 6 टू जा
हाइड्रोजन तो 6 2 12 हो गया, लेकिन जो इसके फ्रंट में है वो ऑक्सीजन को भी ट्रीट कर रहा है, तो ये 6 1 6। तो जो ये वाला बेचारा वन था, ये वन कहाँ से आया था? इस ऑक्सीजन से। ये टू कहाँ से आया था? CO2 की O2 वाले से आया था, तो 1 × 6। अब अगर हम इसको देखते हैं तो ये क्या बन गया, 2 + 6 दैट इज इक्वल टू, हमारे पास अभी कितना होता है, ये अभी भी 8 रहा, अभी हमने कुछ नहीं करना है। अब चलते हैं इधर देखते हैं, फिर वही क्वेश्चन, यहां तो ये 8 हो गया, लेकिन फिर यहां चलते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अगला कौन लिया हमने, कार्बन। अब कार्बन कितने हैं हमारे पास, यहां 6, लेकिन ये कार्बन CO2 में 1 है, तो नेचुरली इसको भी बैलेंस करना है, तो 6 1 6। नंबर ऑफ क्या चेंज करने हैं, मॉलिक्यूल को चेंज करना, हमने कर दिया। जब हमने इसके नंबर मॉलिक्यूल किया तो हमारे पास कितने कार्बन हो गए, 6, लेकिन ऑक्सीजन अब ये 2 वाले ये भी किससे मल्टीप्लाई कर गया, 6 से, तो 6 2 12 + 6 दैट इज इक्वल टू 18। अब हमारे पास ये 18 हो गए, जब ये 18 हो गए लेकिन यहाँ 8 रह गए हैं, हमें इसको क्या करना है, पूरे 18 कन्वर्ट करना है। फिर सोचिए ये 6 कहाँ से आया, यहाँ से आया। अगर हम इसको यहां से ट्रीट करते हैं तो ये सारी की सारी इक्वेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो सारी की सारी इक्वेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए हम किसको पकड़ेंगे, इंडिविजुअल ऑक्सीजन को पकड़ेंगे। ये 6 ऐसे रहने दिया, इस 6 में हमें कितने ऐड करने हैं कि हमारे पास क्या बन जाए, 18 बन जाए, हमें 12 चाहिए। 12 कैसे बनेंगे, जब हम 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो हमने इसके आगे क्या यूज कर दिया, 6। नो देखिए, 18 18 12, 12, 6, 6, सो दिस रिएक्शन इज नाउ बैलेंस। तो इस तरीके से चाहे रेस्पिरेशन है चाहे फोटोसिंथेसिस है, हम दोनों ही साइड से इसको बैलेंस कर सकते हैं। जब हमने फोटोसिंथेसिस की बात की तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन जब रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो एनर्जी बाहर आ रही है, एनर्जी इवॉल्व हो रही है। अगर किसी रिएक्शन के अंदर एनर्जी इवॉल्व हो, एनर्जी प्रोड्यूस हो, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, दैट इज एक्सोथर्मिक। तो ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाता है भी है कि वाई द रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो सिंपल अगर एक नंबर में है तो आंसर इतना काफी है, बिकॉज एनर्जी इज प्रोड्यूस, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है व्हेन ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है सेलुलर लेवल के बीच में एट सेल, और थोड़ा बड़ा आ जाता है तो हम और तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे, हम खाना खाते हैं, द फूड दैट वी टेक इज डाइजेस्टेड इन अवर एलिमेंट्री कैनाल, हमारे जो खाने की नली है, जो भोजन की नली है, पूरी की पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंदर खाना पच जाता है और सिंपल मॉलिक्यूल ग्लूकोज अमीनो एसिड में टूट जाता है। फिर वो जो ग्लूकोज और जो अमीनो एसिड हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, लेकिन फैट फूड जो हमारा फैट जब ब्रेक होता है तो किस में ब्रेक करता है, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, थोड़े बड़े होते हैं तो ये लिम्फ में मिक्स हो जाते हैं, और विद द हेल्प फ्रॉम द लंग्स, हम जब सांस अंदर लेते हैं, व्हेन वी इनहेल द एयर द ऑक्सीजन रीचेस टू लंग, जो ऑक्सीजन है वो लंग्स तक पहुंच जाती है, एंड फ्रॉम लंग्स दैट ऑक्सीजन गेट मिक्स विद ब्लड और कंबाइंड विद द हीमोग्लोबिन, एंड फ्रॉम देयर इट डिफ्यूज एंड सर्कुलेटेड टू ईच सेल। वहां से जो हमारी ऑक्सीजन थी जो लंग्स की कैविटी से डिफ्यूज होकर ब्लड में पहुंची थी, वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से सारे में घूम के हमारे कहाँ तक पहुंच जाती है, हर सेल में पहुंच जाती है, एट सेलुलर लेवल। सेल में जाके ऑक्सीजन जो है दैट कंबाइन विद ग्लूकोज, वो उसके साथ कंबाइन करती है और CO2 H2 और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया तो इस तरह से स्टेप्स को ऐड कर दीजिए, जो है हम उसी को कंबाइन करके कंडीशन के हिसाब से अपने आप को चला सकते हैं, और आफ्टर दैट हम ये रिएक्शन नोट कर देंगे। तो दिस इज द वाई द रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए और चलते हैं, एक और बैलेंसिंग पे ध्यान देते हैं। अभी एक और इक्वेशन है मेरे पास, HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2 वाटर। अब फिर वही सिस्टम कर लिया, रिएक्टेड साइड में चलते हैं, पहले H को काउंट करते हैं, एक H है, हाइड्रोजन है, N मीन्स नाइट्रोजन है, O मीन्स ऑक्सीजन है, O और H पहले आ गए, एक हमारे पास क्या है, कैल्शियम है।
दूसरी तरफ चलते हैं, लिखने वही हैं H N O C, हिट एंड ट्रायल मेथड चलते हैं। अब जब मैं इसको चला तो इसमें H जिसके पैर में कुछ नहीं, सब सेक्रेट कुछ नहीं है, उसके पैरों में एक क्या है, एटम है। लेकिन अगर एक है तो यहां बात करते हैं, ब्रैकेट के बाहर हो, इसका मतलब वो भी सबको प्रसाद देगा, वो भी सबके साथ काउंट होगा, या फ्रंट में वो भी सबसे काउंट होगा। तो जो इसके नहीं है तो ये क्या बन गया, वन टू, तो कितने हो गए यहां पे हाइड्रोजन इज, तो हाइड्रोजन इज इसके साथ कितने आ गए, यहाँ टू आ गए, टू वन टू। यहां चलते हैं, यहाँ डायरेक्टली हाइड्रोजन इसमें तो है ही नहीं, कैल्शियम नाइट्रेट में नहीं है, सिर्फ कहाँ है, वाटर में है, तो दो। नाइट्रोजन के केस में चलते हैं, यहाँ नाइट्रोजन कितना, वन, सिर्फ एक है, बाकी कहीं नहीं है। यहाँ नाइट्रोजन कितने हो गए प्लीज, अब यहाँ तो वन है लेकिन ब्रैकेट के बाहर टू है, तो टू वन जा टू, क्लियर हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, इसके अंदर थ्री हैं, प्लस यहाँ कितने हैं, वन बाहर है, तो टू कितने हो गए, इट बिकम टू ही। इधर चलते हैं, इसमें वाटर में ऑक्सीजन वन है लेकिन यहाँ थ्री और ब्रैकेट बाहर, तो थ्री टू जा सिक्स, सिक्स प्लस इसमें कुछ नहीं लिखा है तो वन है। कैल्शियम में चलते हैं, यहाँ भी एक है और कैल्शियम इधर भी एक है। अब कंडीशन आई इसको बैलेंस करने की हमारे पास, देखिए हमारे पास ये कितने, टू वन थ्री, ये वन, ये फाइव, ये सेवन, तो सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे पास मैक्सिमम है, तो हम ऑक्सीजन को ही सबसे पहले कोशिश करेंगे बैलेंस करने की। फिर कहा था कि हमने हीट एंड ट्रायल में मैक्सिमम के साथ साथ ओड को पकड़ना है, जो ऑड है उसको इवन करने के बारे में सोचना है। अगर हम इसको इवन कर देते हैं, हम इसको यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये सिक्स प्लस टू एट बन जाते हैं। अगर ये सिक्स प्लस टू एट बन जाते हैं तो नेचुरली इधर भी तो हमें कुछ करना है, इधर भी मॉडिफाइड करने पड़ेंगे। तो जब हमने इधर किया ऑक्सीजन, फिर से देखते हैं ध्यान से प्लीज, जब ऑक्सीजन को हमने यहाँ टू किया तो सिक्स प्लस कितना हो गया, ये टू, दैट इज इक्वल टू एट, ऑक्सीजन एट हुआ। हमने ऑक्सीजन कौन सा ट्रीट किया, ये नहीं किया, हमने ऑक्सीजन किसके साथ किया, इस वाले के साथ, तो हमने इसके आगे क्या लगा दिया, टू लगा दिया। जब हमने इसके आगे टू मॉलिक्यूल ऐड कर दिए तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली क्या हो गया, टू इंटू टू इज इक्वल टू फोर, ये तो यहां से क्लियर हो गया। दूसरी साइड चल रहा था मैं अभी, यहां देखते हैं दोबारा से, ये हमारे पास टू है राइट, ये थ्री है, फिर वही बात की ऑड के साथ, अगर मैं इसको सिक्स कर दूं तो थ्री टू जा सिक्स प्लस टू कितने हो जाएंगे, एट बराबर हो जाएंगे। तो मैंने इस थ्री को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने ऑक्सीजन में थ्री इंटू टू दैट इज सिक्स प्लस टू दैट इज एट कर दिया, तो हमने किसको मल्टीप्लाई किया, जिसमें पहले ऑक्सीजन थ्री थे, तो हमने इसके आगे भी टू यूज कर दिया राइट। अब हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। आगे चलते हैं, अब हाइड्रोजन इसमें वन था पहले, अब इसको हमने कितने से मल्टीप्लाई किया है, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टू वन जार टू मतलब क्या हो गया, टू वन जार टू प्लस टू दैट इज इक्वल टू फोर, तो ये भी फोर है, ये भी फोर है। अब नाइट्रोजन यहाँ कितना, वन, तो वन इंटू टू, क्योंकि टू मॉलिक्यूल मैंने कहा सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज टू, ये भी बैलेंस हो गया, और कैल्शियम ऑलरेडी बैलेंस था। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है जिसमें ब्रैकेटेड रहती हैं चीज़ें, तो जो भी आपके पास पॉलीटॉमिक आयन रहेगा, तो पॉलीटॉमिक आयन के अंदर जब हम इसको यूज करेंगे, तो पॉलीटॉमिक आयन के हर एलिमेंट को जो बाहर इसके वैलेंसी शो होती है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना ही करना है, नंबर ऑफ जो बेसिक एटम्स हैं बेस में, दैट इज सबस्क्रिप्ट में, आपको सबसे मल्टीप्लाई करनी है। और एक्शन पे चलते हैं, एक दिस इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ा था हमने पहले भी, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, सिंपली चूना, चूने का पाउडर कहते हैं इसको। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर, अब देखिए इसको S लिख रहा हूँ सॉलिड है, इसको L लिख रहा हूँ लिक्विड, अभी एक्वस नहीं है क्योंकि ये खुद है, जो चीज़ पानी में घुलेगी तब उसको AK लिखना है। जब इसको हमने पानी में डाला तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि जब CaO है तो दिस इज योर क्विक लाइन, यहां बन गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा अब स्लेक्ट लाइन। तो हमने देखा CuH2S बन गया एक्वस प्लस हीट, अब देखो जिसमें हीट निकली वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ हमारे दो रिएक्टेंट थे, एक बना प्रोडक्ट, तो ये कॉम्बिनेशन एक्शन है, रिडॉक्स तो है ही है।
तो आप सबसे पहले कोई भी रिएक्शन देखिए, उसके टाइप आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर आपको ये टाइप समझ आते हैं तो समझ लीजिए कि हमने पिछला लेक्चर जो है बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। बैलेंसिंग पे चलते हैं, वेरी इजी। इधर मैंने कैल्शियम लिखा है, फिर हमारे पास ओ है, फिर हमारे पास एच है, इधर भी कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। अगर मैं यहाँ कैल्शियम देखता हूँ तो एक है, ऑक्सीजन इसमें कितना है, वन इसमें है और वन ही इसमें है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, टू। इधर चलते हैं, कैल्शियम कितना है, वन है, ऑक्सीजन वन अंदर है दो बाहर है, टू वन ज़ा टू, और हाइड्रोजन भी यहाँ टू वन ज़ा टू, वन टू टू दैट इज टू। तो इसका ये तो ऑलरेडी ही बैलेंस है। तो जब हमने चूने को वहाँ डिजोल्व किया है, चूना पानी में, मतलब सेलेक्ट लाइन बनाया है, अब हमने सेलेक्ट लाइन को दीवार पे कर दिया, चूने को हमने दीवार पे कर दिया। आपने ये देखा होगा कि वेन एवर वी अप्लाई द वाइट वॉश, जो ब्राइटनेस है वो 2-3 दिन के बाद आती है, एक तो ये पता। दूसरा, जब भी व्हाइट वॉश लगाएंगे उसमें क्या डालते हैं, हम नील डालते हैं, कुछ ब्लू कलर डालते हैं, क्यों? हम उस पर साथ डिस्कस करते हैं क्यों। बिकॉज द CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये खुद कलरलेस है, ये जो है ये खुद कलरलेस है। जब ये एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा, इट चेंजेस टू कैल्शियम कार्बोनेट। तो जितने टाइम में ये कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा उसके बाद ही आपको वो ब्राइटनेस दिखाई देगी। दूसरी चीज, अब ये कलरलेस है, जो हमारे पास बेचारा वर्कर है उसको पता ही नहीं लगता है कि हमने कहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड की लेयर दे दी और कहाँ पे नहीं दी। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसमें क्या डाला जाता है, नील डाल दिया जाता है। बैलेंसिंग में चलते हैं, फिर से कोशिश करते हैं एक बार फिर हम मिलके, क्योंकि फिर से बैक्टेड है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और कार्बन है, इधर भी कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और कार्बन है, कैल्शियम वन, इसको नहीं मल्टीप्लाई करना, कैल्शियम वन है तो वन ही है, लेकिन जो सिर्फ ब्रैक्टेड है पॉलीटॉमिक का वो ओ एच है, दैट इज हाइड्रोक्साइड है, तो ओ वन इंटू टू टू हाइड वन इंटू टू, कार्बन इधर से वन और ऑक्सीजन यहाँ से टू। इधर चलते हैं, कैल्शियम वन, ऑक्सीजन थ्री इसमें है और वन इसमें है, टोटल फोर है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है, टू है, और कार्बन कितने हैं, वन है। गुड लक, अगेन एवरीथिंग इज बैलेंस, ये वन है, ये फोर है, ये टू है, ये वन है, ये वन है, ये फोर है, ये टू है, ये वन है, ये बैलेंस्ड है। तो इस तरह से देखने में हो सकता है चीज़ बहुत बड़ी लगे। अब इस रिएक्शन को पहचानते हैं, देखिए यहाँ एक्वस लिखा है, यहाँ गैस लिखा है, यहाँ सॉलिड है, यहाँ लिक्विड है, सॉलिड के साथ एरो नीचे लगा, जब भी एरो नीचे लगा इसका मतलब ये होता है कि ये चीज क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो एक तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो, दूसरी रिडॉक्स रिएक्शन तो है ही है, तीसरी इसमें क्या हो गया है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, तो हम इसके साथ बात कर सकते हैं। अब व्हाई डज ब्राइटनेस ऑफ व्हाइट वॉश अपीयर, क्लियर हो गया आपको, बिकॉज इट टुक टाइम टू कंबाइन CO2 टू कंबाइन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड टू चेंज इन टू सॉलिड CaCO3 दैट गिव ब्राइटनेस। और ब्लू कलर और नील क्यों ऐड किया जाता है, बिकॉज CaOH2 इज दिस इज कलरलेस, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट वेयर वी हैव अप्लाइड लेयर और वेयर वी डोंट, दैट्स वाई द नील इज एडेड वाइल अप्लाइंग अ कोट ऑफ CaOH2 सेलेक्ट लाइन। थैंक यू स्टूडेंट्स।